नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ हरीरा। हरीरा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: बादाम 40 ग्राम, काजू 40 ग्राम, मखाने 20 ग्राम या आधा कप, खसखस या पोसत 10 ग्राम, मगज 30 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम या स्वाद अनुसार, पिसी अजवाइन, सौंठ, जीरा, हल्दी और काली मिर्च 1 चम्मच, कद्दूकस किया नारियल आधा कप, किशमिश 25 ग्राम, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, देसी घी 1 बड़ा चम्मच या आवश्यकता अनुसार, पानी 2 कप या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले गैस जलाएंगे और तवे को गर्म करेंगे। अजवाइन, काली मिर्च, जीरा डालकर 30 सेकंड तक चलाते हुए मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का होने तक भून लेंगे और मामजस्ते में डालकर बारीक कूट लेंगे। पिसे हुए मिश्रण में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई सौंठ डालकर मिला लेंगे। हरीरा मसाला तैयार कर लिया है। गैस जलाएंगे और पैन में 2-3 चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। मखाने डालेंगे और कड़छल से चलाते हुए 1-2 मिनट तक भून लेंगे। आप इसमें घी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। पहले से ही मखानों को चाकू की मदद से काट लिया था। भुने मखानों को एक प्लेट में निकालेंगे। दोबारा से पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और गरम करेंगे। अब इसमें बादाम, काजू डालेंगे और कड़छल से चलाते हुए 30 सेकंड तक मध्यम आंच पर भून लेंगे। किशमिश डालेंगे और चलाते हुए 30 सेकंड तक भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें मुनक्का भी डाल सकते हैं। खसखस डालेंगे और 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे और एक प्लेट में मिश्रण को निकाल लेंगे। आधा चम्मच घी डालेंगे। अब मगज डालेंगे और 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। कद्दूकस किया नारियल डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए 30 सेकंड तक भून लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरे में निकाल लेंगे। किशमिश व खसखस में से भुने हुए काजू व बादाम निकालकर मामजस्ते में डालेंगे और मोटा मोटा कूट लेंगे। आप इसमें मनपसंद सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से गैस जलाएंगे और हांडी में गुड़ और 2 कप पानी डालकर गुड़ को पिघलने तक चलाते हुए पकाएंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। भगोने पर छलनी रखकर सिरप को छान लेंगे और दोबारा से छने हुए सिरप को हांडी में डालेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे, भुना हुआ मिश्रण डालेंगे, कड़छल से चलाते हुए मिलाएंगे। यह नवजात शिशु की माँ के लिए बहुत ही लाभदायक है। 1 चम्मच हरीरा पाउडर, इलायची पाउडर डालकर चलाएंगे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आप इसमें गुड़ की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हरीरा बनकर तैयार हो चुका है। सर्दियों में यदि 1 सप्ताह में सेवन करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। गैस को बंद कर देंगे और 1 कटोरे में हरीरा को निकालकर गर्मा गर्म परोसेंगे। आप हरीरे की सामग्री को भूनकर रख सकते हैं और पात को तभी बनाएं जब आप इसका सेवन करना चाहते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।